कालचीनी ग्राम पंचायत के अधीन कालचीनी चाय बगान के बिना पानी क्लब प्रगान में आज कालचीनी के सिक्योर हैंड और अलीपुर द्वार के डुअर्स मैट्स एनजीओ से संयुक्त पहल पर आज वस्त्र वितरण किया गया। इस दौरान 500 लोगों में शीत वस्त्र दिया गया, जिसमें बच्चों, महिला, बुजुर्गों मुख्य केंद्र बिंदु रहे। अच्छा दादा, आज का जो कार्यक्रम है इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन और हमने सुना कि देखिए ये जो कैंपेन है, हम लोग तो यहाँ पे कालचीनी में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। डुअर्स मेट्स नाम का लड़कियों का एक एनजीओ है, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, लड़कियों को समाज में आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सिक्योर हैंड और डुअर्स मेट ने सोचा कि कालचीनी गोदाम लाइन में जो गरीब आदमी लोग हैं, उनको इस ठंड के मौसम में जो कष्ट में रहते हैं, उनको कुछ कपड़ा दे देते हैं, गर्म कपड़े, बच्चों के लिए नया कपड़े, नया पुराना मिला के। तो लगभग 500 लोगों को कपड़े देने के लिए हम लोग इधर आए हैं। और इधर हम दूसरा काम भी कर रहे हैं हमारे सिक्योर हैंड एनजीओ की तरफ से और डुअर्स मेट को लेके, कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में काम कर रहे हैं, चाइल्ड राइट्स में काम कर रहे हैं, बंद बागानों में लड़कियों को स्वनिर्भर करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसी के एक चलते आज का ये प्रोग्राम है। মোটামুটি আমরা এখানে 500 কাপড় নিয়ে এসেছি, তার মধ্যে 200-250 বাচ্চা হবে, ছেলে মেয়ে মিলে। এছাড়া কিছু বয়স্কদের শাড়ি, শীতের পোশাক এবং কিছু বৃদ্ধ মানুষদের জন্য শীতের জামা কাপড়, এটুকু আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমরা আজকে এসেছি এটা কালচিনি গুদাম লাইন। আমাদের অর্গানাইজেশন ডুয়ার্স মেটস মেনলি এটা মহিলাদের, হ্যাঁ আমরা মহিলারা এটা পরিচালনা করি এবং আমরা নানা রকম কাজের সাথে যুক্ত। সেক্ষেত্রে এই শীতকালে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানটা এটা আমাদের একটা পদক্ষেপ বলতে পারেন। আমাদের বেশি দিন হয়নি আত্মপ্রকাশ, এর মধ্যে আমরা বেশ কিছু কাজ করে এসেছি এবং ভবিষ্যতে নানা রকম আরও কাজ করব, এটা আমাদের পরিকল্পনা আছে এবং সৎ ইচ্ছে আছে ভেতরে।